चारों पाई खलोते ने प्यौन वहां के कोई बंदा गलत गल करे चेन ना खन नहीं जी नहीं हम तेरा अमन पसंद है नहीं नहीं हम बाप की खिदमत जरूर करेंगे हम बाप से बड़ा प्यार करते हैं बड़ी खिदमत करेंगे हम जरा अमन पसंद है एक जड़ा बजाहिरन कमी बेचे वो आखिया तुहाडी ऐसी दी तैसी मेरे हुंदिया मेरे प्यौ नूं गल करो मैं मर गया तो हुण तुसी दसो प्यौ नूं वो तीन प्यारे ने या जड़ा बोले वो प्यारा है अमन की बात करो अमन की बात करो नरम बात करो नरम बात करो गैरतमंद पुत्र ओदे सामने प्यो नु गल होवे ते ओ बर्दाश्त नहीं करदा ते जिदे सदके तेरे मेरे प्यो नु इज्जत मिली है ओदी इज्जत ते तू गल होवे ते गैरतमंद उम्मती किवें बर्दाश्त करदा नारे तकबीर नारे रिसालत लब्बैक लब्बैक शरीफ नारे रिसालत लब्बैक लब्बैक मेरे बाबा जी की इज्जत हुजूर की इज्जत ना ले हाँ मेरे नबी की गल हो गई बाबा जी की गल आप ही हो गई गल समझ आ रही है बावजूद भी दाड़ी मोन होने के बावजूद भी सैयदा नू पैर चमवाए ऐ जो गल हाँ ऐ जो गल इकबाल एवें नहीं शुकल हो के आख्या शाह जी असी ते वेंदे ही रह गए ते काम तरखाना ना मुंडा कर गया ए मकाम नरम बात करो नरम बात करो कोई नरम बात नहीं है अगर चाहते हो कि असी थोड़े ना नरमी करिए ते नबी दे नौकर बन के रहो यह गल्लां मैं बोलिया पंजाब असैंबली दे सामने भी कीतियां जदों हदाजर मीर है ना वाबियां दा उन्हें चैलेंज किया ना भी मैं मुनादरे करने का चैलेंज करता हूँ कि इसमें कोई तरमीम नहीं हुई साडा शेर मैदान चाया वो कितना दौर मुक्कन वाला है मैं चैलेंज कबूल करना जेड़े टीवी चैनल आखेगा अभी आ जाएंगे अपने वादे के मुताबिक प्रेस क्लब के सामने पहुंचे पुलिस आके फड़क ला गई अभी पंजाब असैम्बली के सामने धरना दिता एस एच ओ आ गया डी एस पी आ गया सी पी ओ आ गया एस एस पी आ गया तुम नहीं खिलाने देना मैं क्या प्यो की जमीन है तुम्हारी ये पाकिस्तान साढ़े बजुर्ग बनाया इतों को हिला के दिखाए सारी दुनिया देखे पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह चले ना कादियानिया दा मुकाबला करने वास्ते उस मिर्जे गुलाम कादियानी दा ते लोग आखन लगे शाह जी ए फकीरां दा काम नहीं तुसी हुजरे च बैठ के अल्लाह अल्लाह करो हुजूर मुहद्दिस गोरड़वी ने फरमाया और नसीहत करने वाले साडे कोलो ए बेगैरती फकीरी नहीं हुंदी हजूर दी इज्जत ते हमले हो जान ते नरमी कादी नरमी कोई नरमी नहीं कोई नरमी नहीं जेड़ा भी हजूर दा बेअदब ते गुस्ताख सामने आएगा सुन्नी ओनू तुन के रखेगा ये गल समझो हजूर तो बाद कोई नबी नहीं ना कोई जिल्ली ना बुरूजी ना कोई तमसीली ना मिसाली कोई नबी नहीं मेरे आका आखिरी नबी ये अकीदा है जिदा अकीदा नहीं वो ईमान वाला नहीं अकीदा खत्म नबूवत ईमान का कला है कला ईमान की बुनियाद है सारा दीन इस अकीदे से मुनहसर है
इस अकीदे च जर्रा बराबर भी कमी आ गई कुछ भी कबूल नहीं होना। गल समझ आ रही है? ओए गल समझ आ रही है? उस बेईमान नूं जिहड़ा मुसलमान भी मन्ने ओदा ईमान नहीं रहना। महदी मन्ना ते बड़ी उच्ची गल है, महदी मन्ना ते बड़ी उच्ची गल है। जिस अकीदे की गवाही मेरा नबी खुद देवे, जिस अकीदे की गवाही हुजूर फरमाते ने जिन्ने रेत दे जर्रे ने उन्हां जर्रियां दे बराबर मैं आप गवाही देना, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं। सानू होर किसी की तफसीर की तशरीह की लोड़ ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। साडे आका फरमा गए, साडे आका फरमा गए मैं आखरी हूं। मैं कुरान पढ़न लगा तो उसते हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला दा एक असर बयान करना। असर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, असर ते हदीस च फर्क है। तवज्जो आया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर फरमाया व इज अखद अल्लाहु मीसाकन नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा थुम्म जाअकुम رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه حضرت عبد الله بن رضي الله تعالى عنه عفا लोगो सुन लो, रब्बे कदीर ने इन नबियों को वादा लिया जिन्हां दी नबुवत मुसल्लमा, जिन्हां नूं नबुवत मिल जानी, जिन्हां नूं रिसालत मिल जानी, जिन्हां दा नबुवत और रिसालत वास्ते नाम मुंतखब हो चुकिया है, जेड़े नबी बनने ने, जेड़े रसूल बनने ने, रब्बे सुल जलाल उन्हां नूं फरमाया मेरा महबूब आ जाए, मेरा महबूब आ जाए, तुसा अपनी रिसालत दा ऐलान नहीं करना, तुसा अपनी नबूवत दा ऐलान नहीं करना, बल्कि तुहाडी इन नबूवत दे जमाने च अगर मेरा महबूब आ जाए उसे महबूब की नबूवत दा ऐलान करना है, क्योंकि आखिरी ओ हजरत बाबा जी मोहम्मद हुसैन साहब, हजरत बाबा जी गुलाम हुसैन साहब, सब जगह मियां रियाज महमूद साहब। तवज्जो है? तवज्जो है? नारे ना मारो, तवज्जो करो, तवज्जो मेरे आगे। हुण जिन्हां नबूवत मिली है, तवज्जो इहदे ते रखणी, जिन्हां नूं रिसालत मिली है उन्हां नूं भी हुक्म है भई अगर तुहाडे जमाने च मेरा महबूब आ जाए ते तुसां अपनी नबूवत दा ऐलान नहीं करना, अपनी रिसालत दा ऐलान नहीं करना। यह तवज्जो तवज्जो इसते करनी है, जिन्हां नूं मिली है ते मिलनी है, जिन्हां दी नबूवत कन्फर्म है मेरे महबूब दे होंदियां अपनी नबूवत दी सालत दा ऐलान नहीं करना। ओ मैं क्या जिन्ना दी नबूवत
جس سے جنہ دی نبوت کنفرم ہے انہاں واسطے حکم ہے کہ تسا میرے محبوب دے ہوندیاں اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان نہیں کرنا او قادیان دیاں